आज बाटला हाउस एनकाउंटर पर अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के जिस आतंकी को सजा सुनाई उसकी जाति और उसका धर्म क्या था वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी था, लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब एनकाउंटर में भी एक किस्म का आरक्षण कार्ड खेला जा रहा है। एनकाउंटर के असली या नकली होने पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने यह कहते हुए विभाजन की लकीर खींच दी कि यूपी में जो एनकाउंटर हुए उनमें 37% मुसलमान थे। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। ये ठीक है कि अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है, इसलिए एनकाउंटर को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का ये मजहबी तर्क भी कानून सम्मत नहीं लगता। अब तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि जो अपराध करता है वो अपराधी कहलाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ लिया। जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव है कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के बीच कुल 7,791 एनकाउंटर हुए। इनमें 135 अपराधी मारे गए, 3,039 घायल हुए और 16,661 अपराधी गिरफ्तार हुए। आगे हम जो आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अपराध का कोई मजहब नहीं होता, ये साबित करने के लिए आज आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद जो एनकाउंटर हुए उसमें 11 ब्राह्मण, 8 यादव, 59 अन्य हिंदू जातियों के लोग, जबकि 47 मुस्लिम लोग थे। हम फिर एक बार दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात ये कि एनकाउंटर कोई हल नहीं है और सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों का, और दूसरी बात ये कि जाति और धर्म सिर्फ अपराधी के नाम में है, असल में हर अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है, दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती, जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में एनकाउंटर का एक और पहलू है जिसे आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में साल 2000 से 2017 के बीच 1782 फेक एनकाउंटर के आरोप लगे, जिनमें सबसे ज्यादा 794 यानी 44.55% फेक एनकाउंटर यूपी में हुए, लेकिन इन 17 वर्षों में सिर्फ 2 साल बीजेपी की सरकार रही, राज्य में 9 साल समाजवादी पार्टी और 6 साल BSP का राज रहा। यहीं पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्ता के संरक्षण के बिना किसी भी राज्य में अपराधी निरंकुश हो सकते हैं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं
और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।